हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 लाइट में हमने लेंसेज स्टार्ट कर दिया था और हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे लेंसेज के रूल्स। आज हम लेंसेज के रूल्स से थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ेंगे, मतलब आज हमारा जो टॉपिक है मेन, वो है रूल्स पढ़ने के बाद इमेज फॉर्मेशन के केसेस। मतलब हमने सबसे पहले पढ़ा लेंसेज का इंट्रो, लेंसेज में कौन कन्वर्ज करता है, कौन डाइवर्ज करता है। उसके बाद हमने पढ़े थे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन अ लेंस। जैसे हमने मिरर के अंदर पढ़ा था, हम पैरेलली मिरर की तरह चल रहे हैं। जैसे पहले मिरर के बारे में पढ़ा, यहाँ पे लेंसेज के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कौन है, सेम यहाँ पर पढ़ा। फिर हमने मिरर में रूल्स पढ़े, अब हमने लेंस में रूल्स पढ़ लिए। फिर हमने पढ़े थे मिरर में केसेस कि ऑब्जेक्ट कहीं पर अगर रखा हुआ स्पेसिफिक पोजिशन में तो इमेज का नेचर, साइज और पोजिशन क्या होगा। सेम हम लेंसेज के आज पढ़ने वाले। तो आज की क्लास थोड़ी सी एक्सटेंडेड है, लेकिन आज आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रखा हुआ है तो इमेज कहाँ पे बनेगी। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है, अच्छी बात ये है कि हमने जो मिरर में पढ़ा था उससे बहुत ज़्यादा ईजी है। सबसे पहला फ़ायदा तो देखो क्या है, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था वैसे ही फ़ायदा, वो ये कि जब हम मिरर पढ़ते थे ना यार, तो हमें सोचना पड़ता था कि कौन सा क्या नाम है रूल लगेगा। लेकिन अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है कि कौन सा रूल लगेगा, क्योंकि अब हमारे पास तीन रूल है और उन तीनों रूलों में से हमेशा पहले और तीसरा रूल लगने वाला है। मतलब दो ही रूल यूज़ होंगे, मतलब जो सेकंड रूल है आप उसको यूज़ कर सकते हो लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमेशा वहाँ पे सोचना पड़ता था कि फर्स्ट और थर्ड लगाऊँ, फर्स्ट और सेकंड लगाऊँ, थर्ड और फोर्थ लगाऊँ, कौन सा रूल लगाऊँ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको, फर्स्ट और थर्ड रूल आया बात ही ख़त्म हो गई, समझ में आया। तो फर्स्ट और थर्ड रूल लगाओ और बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो जाएगा, पक्का क्लियर है। तो आज हम इमेज फॉर्मेशन के केसेस पढ़ेंगे, लेकिन हाँ आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। उसके बाद हम सेम ट्रिक्स वाला लॉजिक, अब मैंने जैसे मिरर में बताया था कि पहले दूसरे मतलब एक दो स्टार्टिंग के केसेस भी अगर आप पढ़ लोगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है। मतलब स्टार्टिंग के एक दो केसेस को आप सही से समझ लोगे तो बाकी धीरे धीरे अपने आप ही सिंप्लीफाइड होने लगेगा, ठीक है यहाँ तक। चलो फिर अब हम शुरू करते हैं आगे का पार्ट। अब हम पढ़ने वाले इमेज फॉर्मेशन के केसेस। तो जैसे मैंने यहाँ पे पूरे केसेस दे रखे हैं, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन का केस जैसे कि सबसे पहले पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और यहाँ पे ये सिक्स्थ है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में कि ये कैसे धीरे धीरे। लेकिन अब हमारे पास दो लेंसेज हैं, एक है कन्वेक्स लेंस और एक है हमारे पास कनकेव लेंस, है ना। अब मेन बात यह है कि हमने जब वहाँ पे पढ़ा था मिरर्स में, मिरर में कनकेव मिरर के 6 केसेस थे और कन्वेक्स मिरर के 2 केसेस थे, समझ में आ गया। पहली चीज़ तो यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे कन्वेक्स के कितने केसेस हैं, यहाँ पे 6 केसेस हैं और कनकेव के कितने केसेस हैं लेंस में, 2 केसेस हैं। तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, समझ में आ गया। अभी बहुत सारी चीज़ें अपोजिट हैं, ध्यान से सुनना। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि मिरर्स के अंदर जब पढ़ते थे तो कनकेव जो होता था वो कन्वर्जिंग होता था, लेकिन लेंसेज में कन्वेक्स कन्वर्जिंग है, है कि नहीं। वैसे अब यहाँ पर भी ये चीज़ उल्टी हो गई है कि अगर आप कन्वेक्स लेंस को देखोगे तो ये कन्वेक्स लेंस है जो बीच में से पतला, वो सॉरी मोटा होता है, कोने से पतला होता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है और ये 2F2 है। अंतर बस ये है कि वहाँ पे जिसको आप F बोला करते थे यहाँ पे वो F1 हो गया या F2 हो जाएगा, और वहाँ पे जिसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला करते थे यहाँ पे वो 2F1 या 2F2 हो जाएगा, है ना। यही अंतर है। अब वहाँ पे जब आप पढ़ रहे थे, चलो यहाँ पे ये भी बना लेते हैं। तो कनकेव के कितने केसेस हैं, कनकेव के 2। पहले प्रिंसिपल एक्सिस और ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2, क्लियर है बात, ठीक है। तो हमारे पास ये लेंसेज के पोजीशंस हैं। अब अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ चुके हैं, मतलब लास्ट में हमने रूल्स से पहले मतलब मिरर में हमने ये पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर भी 6 केसेस हैं। कौन कौन से, तो सुनो। सबसे पहले एक केस है इन्फिनिटी का, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, कन्वेक्स लेंस में, कन्वेक्स में 6 केसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ होगा तो एक पोजीशन ये होगी, दूसरी पोजीशन होती है 2F1 के पीछे कहीं पर, थर्ड पोजीशन है 2F1 पर, फोर्थ पोजीशन है 2F1 एंड F1 के बीच में, फिफ्थ पोजीशन है F1 पर और सिक्स्थ पोजीशन है F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब लेंस से पहले, ठीक है। तो ये 6 केसेस हैं जो हमें पढ़ने हैं। वहाँ पर क्या हुआ होता करता था, इन्फिनिटी जो बिल्कुल सेम है वहाँ पर होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम 2F1 है तो 2F1 के पीछे। फिर थर्ड केस होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे 2F1, सी और एफ के बीच में यहाँ पे F1 एंड 2F1, वहाँ पे होता था एफ, यहाँ पे है F1 और वहाँ पे होता है एफ एंड पी, यहाँ पे F1 एंड ओ, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर है बात। अब जब हम इतना थक गए तो हम कनकेव के पास गए, तो कनकेव ने बोला टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, मेरे पास सिर्फ 2 केस हैं, एक इन्फिनिटी का और दूसरे केस में आप जो ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा जो इमेज बनेगी वो सेम बनेगी जो मैं बताऊँगा, पक्का क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करने वाले एक एक करके लेंसेज के केसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं चलो कन्वेक्स से, क्योंकि इसके ज़्यादा केसेस हैं, तब आपको सही से समझ में आएगा कि इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। तो चलो करते हैं इमेज फॉर्मेशन के केसेस।
सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन केसेस ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, पहला केस ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। ये रहा लेंस दोस्तों, ठीक। यह है प्रिंसिपल एक्सिस, यह है F1, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर, यह है F1, यह है 2F1, यह है F2 और यह है 2F2। ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इसका मतलब दोनों रेस क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। हम दो रेस का यूज़ करते हैं इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए, मिरर से याद करो, हम दो रेज यूज़ करते हैं इमेज फॉर्मेशन बना सके। और तुम्हें ये भी याद होगा मिरर में, अगर आपने सही से पढ़ा है तो मिरर का पहला केस होता था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता था तो इकलौता ऐसा केस होता था जिसमें एक ही रूल दो बार यूज़ होता था। सेम यहाँ पर होगा, वहाँ पर इकलौता ऐसा रूल होता था जिसमें एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से आती थी और एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से आती थी। सेम यहाँ पर भी होगा। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? तो आप एक जो रे यूज़ करोगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से यूज़ करोगे, जो यूज़ करोगे दूसरी यहाँ से, ठीक है। तो पहला रूल, यहाँ पे हम पहला रूल दोबारा यूज़ कर रहे हैं। तो रूल कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं हम दोस्तों, फर्स्ट एंड फर्स्ट, ठीक। तो पहला रूल ये कहता है अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है और लेंस से टकराती है तो वो फोकस से पास होगी। कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो दोबारा वही चीज़ नीचे से, लेकिन इस बार अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है और लेंस से टकराती है तो फोकस से पास होगी और इमेज फॉर्मेशन जो होगी वो F2 पर होगी। क्लियर है बात? एक अब समझना, NSP में तुम्हें चीज़ समझ में आएगी कि ये भी उल्टा होने लग गया है, तो अब समझो ज़रा ध्यान से। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो अगर कोई रे सॉरी अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो अच्छा, अगर साइज की बात करें तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो मैंने क्या बताया था, बहुत बड़ा है। क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है मतलब बहुत दूर है और हमें दिखाई भी दे रहा है तो इसका मतलब बहुत बड़ा होगा, है ना। एक पक्षी बहुत दूर उड़े तो हमें दिखाई देगा क्या, नहीं। लेकिन एक हवाई जहाज उतनी दूरी पर उड़ रहा होता है हमें दिखाई देता है क्योंकि वो बहुत बड़ा है। सेम लॉजिक है यहाँ पर, ठीक है। आगे सुनो जरा ध्यान से, अब हम बात करेंगे NSP की यार, ठीक है। डेट इज़ नेचर साइज एंड पोजिशन। अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इधर है। अगर ये मिरर होता, अगर ये मिरर होता तो ऑब्जेक्ट और इमेज अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते तो हम उसको बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर सेम डायरेक्शन में होते तो उसको बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पर उल्टा है सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट इधर सॉरी ऑब्जेक्ट इधर इमेज इधर की तरफ होगी तो अब इसको बोला जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। पहले मतलब मिरर्स में जब इधर हुआ करता था तब हम उसको वर्चुअल इंडायरेक्ट बोलते थे, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। और रियल तो आपको पता है ऑब्जेक्ट इधर इमेज इधर है, इन्वर्टेड का आपको पता ही है सेकंड केस से पता लगना चालू होता है, ठीक है। तो ये नेचर साइज एंड पोजीशन क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, इस बात का ध्यान रखना भाई। ये क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक। साइज़ की बात करें तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है इन्फिनिटी पर और ये यहाँ पे बहुत छोटी इमेज बन रही है, ठीक है। और इन्फिनिटी टर्म आता है तो हाईली टर्म आता है, तुम्हें बताया ही था। तो हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, कैसी इमेज बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड। पोजिशन की बात की जाए तो पोजिशन इमेज कहाँ पर बन रही है, एट F2। आसान है कि नहीं? अगर आपने मिरर पढ़ा हो तो लेंसेज आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप ही बोला था मैंने कि मिरर को सही से पढ़ लो, सही से पढ़ लो ताकि आपको लेंसेज में आसानी हो। तो अगर आपने मिरर सही से पढ़ा हो तो लेंसेज इज़ वेरी 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 इजी। तो समझ में आया कि नहीं आया, पक्का क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ये है पहला रूल, हमने दो बार यूज़ करा हुआ है और ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, पक्का क्लियर है यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे सेकंड रूल के बारे में, सेकंड केस के बारे में। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सेकंड केस में, बिहाइंड या फिर बियॉन्ड भी बोल सकते हो आप, बियॉन्ड बिहाइंड 2F2, ठीक है, 2F1 सॉरी 2F1 के पीछे रखा हुआ है। तो ये रहा लेंस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1, ये है 2F1, ये है F2 और ये है 2F2। और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पे रखा हुआ है, 2F1 के कहीं पीछे रखा हुआ है। ये रहा, क्लियर है बात, 2F1 के कहीं पीछे रखा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हम जो रूल यूज़ करेंगे, अब दिमाग लगाना, पहला रूल ये कहता है कि चलो इसको ऑब्जेक्ट मानो, किसी और उससे बनाते हैं वरना आपको कन्फ्यूजन होगी, ठीक है, इससे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, और पहला रूल और तीसरा रूल यूज़ करेंगे क्योंकि मैंने बताया था रूल नंबर केस नंबर वन में रूल नंबर वन दो बार यूज़ होता है, बाकी सब में पहला और तीसरा, पहला और तीसरा मतलब फर्स्ट एड। तो यहाँ पर रूल कौन सा यूज़ होने वाला है, यहाँ पर रूल यूज़ होगा फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस से पास होगी, होता है कि नहीं होता, पक्का क्लियर है। सेकंड रूल तो हम यूज़ कर नहीं रहे। थर्ड रूल ये कहता है कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और इससे जाके टकराएगी, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर जाएगी और जाती रहेगी, यही था थर्ड रूल। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और वो जाती ही रहेगी। अब अगर आप देखोगे तो दोनों रे कहाँ पर जाके मिल रही हैं, F2 एंड 2F2 के बीच में,
है कि नहीं। तो अगर ऑब्जेक्ट ए एंड बी है दोस्त, तो इमेज कैसे बनते हैं, ए डैश एंड बी डैश। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का क्लियर है? तो ये केस है इमेज फॉर्मेशन का, इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, 2m1 के पीछे रखा हुआ है, पक्का क्लियर है यहाँ तक, इजी है। तो चलो बात करते हैं इसकी आगे, ठीक है। इसका NSP पता करते हैं, ठीक है। नेचर, साइज एंड पोजीशन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड, याद है ना, इसमें उल्टा है ना मिरर से। साइज की बात करोगे तो ऑब्जेक्ट अभी छोटा है, तो ऑब्जेक्ट से छोटी है सॉरी इमेज, है ना, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है, इसलिए सिर्फ डिमिनिश्ड है, इसलिए सिर्फ डिमिनिश्ड है। और पोजीशन अगर देखोगे तो इमेज कहाँ बन रही है, F2 एंड 2F2 के बीच में, बिटवीन F2 एंड 2F2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप ध्यान से समझोगे इस बात को, तो आपको ये एक चीज़ समझ में आएगी कि आप जब मिरर से इसको रिलेट करोगे, बिल्कुल सही है। जब आप ऑब्जेक्ट सेकंड केस याद करो मिरर का, मिरर में सेकंड केस होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, और इमेज जो बनती थी वो F1 एफ और C के बीच में बनती थी। अभी भी तो ये हो रहा है, बस F का नाम F2 हो गया और C का नाम 2F2 हो गया। अभी भी इमेज वहीं पे बन रही है, बस जो काम इधर हो रहे होते थे वो काम इधर हो गए हैं, और एक दो नाम बदल गए हैं, नाम सिर्फ रिप्लेस हुए हैं, समझ में आ गया। लेकिन सारा काम सेम ही चल रहा है, पहले वहाँ पर सी और एफ के इमेज बनती थी, यहाँ पर भी सी और एफ के बीच में इमेज बन रही है, बस वो इधर की तरफ होता था काम, अब इधर की तरफ हो रहा है वो काम। कितना ईजी है कि नहीं? तो अगर आपने मिरर सही से पढ़ा हुआ था, बिल्कुल ईजी है ये भाई, पक्का क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट अगर 2F1 के बीच में रखा, 2F1 के पीछे रखा हुआ होता है, तो F2 और 2F2 के बीच में इमेज बनती है, पक्का क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने रे डायग्राम नहीं बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, एरोज बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड केस। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ होता है, एट एफ, है ना, तो सॉरी एट सी रखा होता है, लेकिन अब सी को हम क्या बोलते हैं, एट 2F1, है ना। तो ये रहा लेंस, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा F1, ये रहा 2F1, ये है F2 और ये है 2F2। और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है दोस्तों, वो कहाँ रखा हुआ है, 2F1 के पीछे रखा हुआ, 2F1 पर रखा हुआ है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, रूल्स यूज़ करेंगे। पहला रूल क्या कहता है, पैरेलल जाएगी फोकस से पास होगी, ठीक है। रूल मैं बार बार बोल रहा हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है इसके अंदर, तो ठीक है। तो पहला रूल क्या कहता है, पैरेलल भेजो और वो कहाँ से पास होगी, वो फोकस से पास होगी। और दूसरा रूल तो हम यूज़ नहीं कर रहे, तीसरा रूल ये कहता है कि ऑप्टिकल सेंटर से भेजोगे तो वो जाती रहेगी, है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब वो रह जाएगी तो देख रहे हो आप, ठीक है, थोड़ा सा गलत बनेगा क्योंकि हम नाप के नहीं बना रहे, ठीक है। तो ये कहाँ पे बनेगी जाकर, ये एक रे सीधा सीधा जाके मिलेगी 2F1 के 2F2 के नीचे, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्योंकि हमने नाप के नहीं बनाया, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट ए और बी है दोस्त, तो इमेज बनेगी ए डैश एंड बी डैश। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का क्लियर है? आप एग्जैक्टली नाप नाप के बनाओगे, ये सारे डिस्टेंसेज इक्वल इक्वल लोगे और स्केल से लाइन खींचोगे, तो एग्जैक्टली 2F2 के नीचे ही आएगा, पक्का क्लियर है? अब हम बात करते हैं NSP की, ठीक है। इसकी बात करेंगे NSP। ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है, सेम साइज। थर्ड केस याद करो, वहाँ पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट होता था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती थी, देख लो चाहे तो। 2F1 पे ऑब्जेक्ट है, 2F2 पे इमेज बनी, मतलब सी तो है दोनों, है ना। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर ये दोनों सेम क्या बोल रहा था मैं थर्ड केस वहाँ पे बिल्कुल सेम उसकी तरह, कि ऑब्जेक्ट अब थर्ड केस में होता है तो इमेज भी थर्ड केस के नीचे ही बनती है, सेम लॉजिक है, सेम साइज़ की बनती है, है ना। वहाँ पे भी इमेज कैसी बनती थी, सेम साइज़ की बनती थी। और पोजीशन की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट अगर 2F1 पर है तो इमेज बनेगी 2F2 पर, ये रहा। इतना ईजी है, बताओ समझ में आ गया मैंने क्या बोला। अब हम बात करेंगे थर्ड केस की। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, इन दोनों के बीच में आ गया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है, बिटवीन 2F1 एंड F1, इस बार 2F1 और F1 के बीच में रखा हुआ है। ये रहा लेंस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1, ये है 2F1, ये है F2 और ये है 2F2। क्लियर है बात? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, ठीक है, इसके बनाते हैं इसको। तो ऑब्जेक्ट इस बार कहाँ रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन दोनों के बीच में रखा हुआ है। अब इन दोनों के अगर बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो अगर तुम ध्यान से समझोगे तो देखो जरा ध्यान से, हाँ ठीक है। तो रूल नंबर कौन सा, पहला और तीसरा। रूल में तो कोई चेंज नहीं है भाई, पहला और तीसरा। पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई रे पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से पास होगी, है ना। और दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी
तो जाती रहेगी। और दोनों रे कहाँ मिल रही हैं? ऑप्टिकल सेंटर के आगे कहीं पर मिल रही है। अगर ये ऑब्जेक्ट ए और बी है तो इमेज उल्टी बन रही है, ए डैश एंड बी डैश। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? ठीक, अब अगर आप इसका एनएसपी पता लगाओगे तो इसका नेचर, साइज और पोजीशन। एनएसपी, ऑब्जेक्ट इधर, इमेज इधर, ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर है, तो इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। क्या है ये? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज़ की बात की जाए तो साइज़ देख रहे हो आप, बड़ी बन रही है इमेज, ठीक है। एनलार्ज्ड, साइज़ कैसा है? एनलार्ज्ड, क्लियर। और पोजीशन बिहाइंड या फिर बियॉन्ड 2F2, बिहाइंड लिखो, बियॉन्ड लिखो, मतलब 2F2 के आगे है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? ठीक है यहाँ तक, अब आगे बढ़ते हैं। अब है थर्ड के, फोर्थ के बाद फिफ्थ केस। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ जाएगा? F पे आ जाएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट अब कहाँ पे आ जाएगा? एट F1, ठीक है। तो फिफ्थ केस है, ऑब्जेक्ट इज एट F1, क्लियर। अब अगर आप लेंस बनाओगे तो ये रहा, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1, ये है 2F1, ये है F2 और ये है 2F2, क्लियर है बात। अब अगर आप ध्यान से समझोगे तो ऑब्जेक्ट इस बार कहाँ रखा हुआ है? F1 पे रखा हुआ है, सॉरी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? F1 पे रखा हुआ है, ठीक है। अब आप कौन सा रूल यूज़ करोगे? रूल नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, उसमें कोई चेंज नहीं है भाई साहब, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक। पहला रूल क्या कहता है? पैरेलल भेजो, और कहाँ से पास होगी? वो फोकस से पास होगी। और दूसरा रूल ये कहता है कि अगर आप कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से भेजोगे तो वो जाती रहेगी, और ये दोनों रे तो पैरेलल हैं, और दो पैरेलल रे कहाँ जाके मिलती हैं? इन्फिनिटी पर जाके मिलती हैं। कहाँ जाके मिलती है? इन्फिनिटी पर जाके मिलती है। तो इसका मतलब ये कि इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा? इन्फिनिटी पर होगा, है कि नहीं? तो चलो देखते हैं इसका NSP पता लगा कर, है ना। इसका नेचर, साइज और पोजीशन आप पता लगाओगे NSP। तो ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर है, ठीक है। कहाँ गया? ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर है। तो नेचर, साइज और पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज़ की बात अगर आप करोगे तो साइज़ क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है तो हाईली एनलार्ज, क्योंकि इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है तो बहुत दूर, इन्फिनिटी वर्ड आता ही, और एनलार्ज इमेज है तो हाईली वर्ड यूज़ होगा, तो हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। और वैसे भी इमेज बहुत दूर है और आपको दिखाई दे रही है, तो ऑब्वियसली बात बहुत बड़ी इमेज रही होगी। पोजिशन की बात की जाए तो एट इन्फिनिटी इमेज क्या बन रही है दोस्तों? इन्फिनिटी में बन रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब है सिक्स्थ केस। सिक्स्थ केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ होता है? देखो जरा ध्यान से, सिक्स्थ केस में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, है ना। वहाँ पे जो F एंड P होता था मिरर्स के अंदर, यहाँ पर क्या है? F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिल्कुल सेम। ये रहा लेंस, हाँ ये रहा लेंस, ठीक। यह है प्रिंसिपल एक्सिस, यह है ऑप्टिकल सेंटर, यह है F2, यह है 2F2, यह है F1 और यह है 2F1। इस बार ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है दोस्त, वो कहाँ पे रखा हुआ है? इन दोनों के बीच में रखा हुआ है, क्लियर। रूल अभी भी सेम यूज़ होगा, रूल नंबर, रूल नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड के बीच में पहला रूल यूज़ होगा। पहला रूल क्या कहता है? कोई भी रे पैरेलल जाएगी, ठीक, और वो फोकस से पास होगी। और दूसरा रूल ये कहता है कि वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, और अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो देख रहे हो दोनों रे दूर जा रही हैं। अगर दोनों रे दूर जा रही हैं तो कहीं पीछे जाके मिलेंगी, हमने पढ़ा है ना, सेम सिक्स केस, वहाँ पे भी ऐसी होता था, यहाँ पे भी ऐसी है, तो बस उसमें इधर की तरफ होता था, इसमें इधर हो रहा है। तो ये ऐसे जा रही है अगर कोई रे, तो पीछे अगर मोड़ोगे तो पीछे कहीं ना कहीं मिल रही होगी, और पीछे असलियत में नहीं जा रही है तो डॉटेड लाइन यूज़ करनी पड़ेगी। और जब आप डॉटेड लाइन यूज़ करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये दोनों रे कहीं पीछे जाके मिल रही हैं और इमेज फॉर्मेशन कहीं पीछे जाके हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट इस बार ए और बी है तो इमेज ए डैश एंड बी डैश बिल्कुल ऐसे बन रही है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? अगर अब आप इसका एनएसपी पता लगाओगे तो आपको पता लगेगा इसका एनएसपी। डेटी यहाँ पे लिख देते हैं इस बार इसका नेचर, साइज एंड पोजीशन। इस बार जो ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज भी इधर है, इस बार इसका नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या है इमेज नेचर का? इमेज का नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज की बात करोगे तो एनलार्ज। क्या बहुत बड़ी इमेज है? नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी पे नहीं बन रही है। नहीं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो एनलार्ज है सिर्फ। और पोजीशन बात करोगे तो बिहाइंड,
मिरर, सॉरी लेंस, लेंस के पहले ही बन गई है इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आ गया मैंने क्या बोला। तो इस बार इमेज पहले ही बन गई है और ये है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के थ्रू अगर इमेज फॉर्मेशन होती है तो इस तरीके से होती है। कितना ईजी है बताओ, है कि नहीं? आराम से समझो, ठीक है। आपके सामने पूरे 6 केसेस हैं, मैं दोबारा बना देता हूँ, दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से शुरू करा था, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ तो ऑब्जेक्ट उधर, इमेज इधर, रूल नंबर 1 1, ठीक है। इकलौता केस है जहाँ पे, मतलब ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो इकलौता केस होता है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर, चाहे कोई सा भी लेंस, चाहे कोई सा भी मिरर, ठीक है। जब पहला रूल दो बार यूज होता है, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, ठीक। बाकी आपका NSP यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है। NSP मतलब नेचर साइज एंड पोजीशन, ठीक। ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर है, मिरर अगर होता तो वर्चुअल इंटरैक्ट होता, लेकिन ये लेंसेज है तो ऑब्जेक्ट इधर, इमेज इधर, तो इसको बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, वो ये रहा। सेकेंड केस के अंदर सेम लॉजिक, ठीक है। पहला और तीसरा रूल यूज़ करा, यहाँ पर भी पहला और तीसरा रूल यूज़ करा, यहाँ पर भी पहला और तीसरा रूल यूज़ करा, यहाँ पर भी पहला और तीसरा रूल यूज़ करा, लेकिन यहाँ पर दोबारा पहला और तीसरा रूल ही यूज़ करा है लेकिन ऑब्जेक्ट उधर की तरफ, सॉरी ऑब्जेक्ट इधर, इमेज उधर बनने की जगह पर इमेज इस बार इधर बनने लग गई है। कितना ईजी है बताओ, समझ में आ गया मैंने क्या बोला। अब हम पढ़ेंगे कनकेव के लेंसेज, सॉरी कनकेव लेंसेज के केसेस, ठीक। अब हम बढ़ने वाले कनकेव के केसेस, कनकेव लेंस। यहाँ पर भी सेम पहला और तीसरा रूल यूज होगा, लेकिन पहला केस तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी वाला होता है, एट इन्फिनिटी, तो यहाँ पर तो पहला रूल ही दो बार यूज होगा, ये तो आपको अच्छी तरह पता है ना। अब अगर आप लेंस बनाओगे तो वो ये रहा, ठीक है। ये है कनकेव, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1, ये है 2F1, ये है F2 और ये है 2F2, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया ये, कोई बात नहीं। और ऑब्जेक्ट इस बार कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो पहला रूल ही दो बार यूज़ होगा, तो रूल नंबर 1 1, तो पैरेलल जाएगी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के जाएगी और वो डाइवर्ज हो जाएगी, याद है ये डाइवर्जिंग लेंस है, फोकस पे नहीं जाएगी, अपीयर होगी कि फोकस पे जा रही है। सेम लॉजिक दोबारा दूसरी रे के साथ, कोई रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, कनकेव लेंस से टकराती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है, जो अपीयर होती है कि वो फोकस से पास हो रही है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, कितना ईजी है, क्लियर। अगला देखते हैं सेकेंड, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, एट प्रिंसिपल एक्सिस, अब कनकेव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो ये है कनकेव, ठीक है, ये है सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1, ये है 2F1, ये है F2 और ये है 2F2। इस बार जो लेंसेज यूज़ होंगे वो कौन से होंगे, रूल नंबर 1 एंड 3। इस बार तो 1 एंड 3 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो तो कहीं पे भी रख सकते हो आप ऑब्जेक्ट, मान लो हम यहाँ पे रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो अगर आप इमेज फॉर्मेशन करोगे तो पहला रूल क्या कहता है, पैरेलल जाएगी और ये यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी, जो अपीयर होगी कि वो फोकस से पास हो रही है। ईजी, आसान, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, कहीं पे भी प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ, तो पहला रूल क्या कहता है, पैरेलल जाएगी और डाइवर्ज जाएगी, जो अपीयर होगी फोकस से पास होते हो। दूसरा रूल कहता है ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और वो रे जाती ही रहेगी, समझ में आया, वो रे जाती रहेगी। तो दोनों के रे कहाँ पर मिल रहे हैं, कहीं यहाँ पर दोनों रे मिल रही है, है ना। तो ऑब्जेक्ट अगर ए बी है दोस्त, तो इमेज यहाँ पे ए डैश एंड बी डैश बन रही है। इजी है कि नहीं है, है ना। तो अगर आप ध्यान से आप समझोगे, हमने पिछले वाले में पता नहीं NSP पढ़ाई कि नहीं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम NSP भूल गए, लिख देते हैं अब NSP। ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर है, इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट है कि नहीं। साइज़ की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो बहुत बड़ा, और यहाँ पे बहुत छोटी इमेज बन रही है तो हाईली डिमिनिश्ड। और वैसे भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस बनती है और हाईली डिमिनिश्ड ही बनती है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स, हमेशा। और पोजीशन की बात करें तो एट एफ, जिसकी बात कर रही है, एट F1 भी लिख देंगे, क्लियर है बात। अब बात करते हैं इसके NSP की। इसका NSP अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट इधर, इमेज भी इधर, इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज की बात करोगे तो साइज क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, छोटा हो गया, साइज इज डिमिनिश्ड, समझ में आ गया। पोजीशन की बात करोगे तो बिटवीन, वैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो बिहाइंड, मतलब बियॉन्ड लेंस या बिहाइंड लेंस, लेकिन यहाँ पे अगर एग्जैक्ट पता है तो आपका F1 एंड O, खत्म।
इतना ईजी है। अब मैं आपको छोटे से पॉइंट में ट्रिक्स बताऊंगा, लेकिन अगर आपको ये केसेस समझ में आ गए तो बताओ, बहुत ज़्यादा ईजी है मेरे अकॉर्डिंग तो भाई, ठीक है। अब बस ये कि मैं तो बहुत बार पढ़ा चुका हूँ तो मेरे को शायद ईजी लग रहा होगा, लेकिन ये सच में ईजी है अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे। और आपको मिरर सही से समझ में आ गया है तो लेंसेज तो कुछ भी नहीं है, मिरर्स भी आसान है, लेकिन मिरर समझ में आने के बाद लेंसेज तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। इतना क्लियर है? अब छोटी सी बात करते हैं यार, ठीक। अब अगर आपको ये सारे केसेस समझ में आ गए हैं तो आपको अब जो मैं समझाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये है कि यार अब आप देखोगे ना तो मैंने वहाँ पे ट्रिक्स बताई थी, मैंने वहाँ पे आपको बताया था मिरर में कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस का ये बिल्कुल फोकस पॉइंट वो है, क्या नाम है, पोल है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा होता था तो इमेज जो बन रही होती तो पीछे की तरफ जा रही होती थी, तो ऑब्जेक्ट ऐसे आता है इमेज ऐसे जाती है, यही पढ़ा था हमने। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से थोड़ा सा आ गया है इमेज एक थोड़ा सा और आगे खिसक गई, ये और आ गया, ये और आगे खिसक गई, और आ गया, ये और आगे खिसक गई। कहने का मतलब ये कि जब मिरर पढ़ रहे थे आप तो मिरर के अंदर इमेज और ऑब्जेक्ट जो होते थे वो ऐसे मूव कर रहे होते थे, समझ में आ गया मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट और पीछे की जो इमेज ऐसे ऐसे जाएगी, ये ऐसे ऐसे जाएगी, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ये जैसे ऐसे आगे जा रहा है इमेज भी आगे जा रही है, ऑब्जेक्ट पीछे आएगा तो इमेज भी पीछे आएगी, ये ऐसे चल रहे हैं, अंतर है दोनों बातों में। देखो जरा ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इमेज यहाँ पर बन रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर रखा हुआ है तो इमेज यहाँ पर बन रही है। लेकिन अगले केस में देखोगे तो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और आगे आया, इमेज थोड़ी सी और आगे चली गई, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और आगे आया, इमेज थोड़ी सी और आगे चली गई। तो इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर चल रहा है इस तरीके से, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे खिसक रहा है वैसे वैसे इमेज आगे खिसक रही है। कितना ईजी है याद करना, कितना ईजी है, ठीक है। इन्फिनिटी एफ टू, इन्फिनिटी से आगे और थोड़ा सा आगे, मतलब एफ़ वन एंड टू एफ वन, एफ टू एंड टू एफ टू, और ये एफ टू एफ वन पे आया तो ये टू एफ टू पे पहुंच गया, जो उसके बीच में आया तो उससे आगे चला गया, ये एफ पे आया तो इन्फिनिटी पे चला गया, और एफ वन और ओ के बीच में जगह थी तो घूम के फिर इधर आ गया, जैसे मिरर में घूम के इधर की तरफ जाता था। कितना ईजी है। नेचर की बात अगर की जाए तो वहाँ पर हमने पढ़े थे 6 केस और 2 8 केस, उसमें से क्या नाम है स्टार्टिंग के जो 5 केस थे, लेकिन वहाँ पे हम कनकेव पहले पढ़ते थे, तो वहाँ पे जो स्टार्टिंग के 5 केस थे वो थे रियल एंड इन्वर्टेड, और आखिरी के 3 केस थे वर्चुअल एंड डायरेक्ट। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, बस 2 चीज़ें चेंज हो गई। यहाँ पे पहली बात तो कनकेव की जगह पे हम कन्वेक्स पहले पढ़ते हैं लेंसेज में, उसके स्टार्टिंग के 5 केस क्या है रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन यहाँ पे अंतर ये है कि वहाँ पर क्या बोला था, जिधर ऑब्जेक्ट होता था अगर उधर ही इमेज होगी तो उसको रियल एंड इन्वर्टेड बोलते थे, लेकिन लेंसेज में अगर ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इधर की तरफ है लेंस के, तब जाके उसको रियल एंड इन्वर्टेड बोला जाएगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड पहले वहाँ पे अगर आपके सामने से देखा जाए तो पहले वहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड लेफ्ट हैंड साइड होता था, यहाँ पर लेंसेज में रियल एंड इन्वर्टेड राइट हैंड साइड होता है, याद रहेगी ये बात, पक्का क्लियर है। लेकिन अगर हम वर्चुअल डायरेक्ट की बात करेंगे तो वर्चुअल डायरेक्ट में क्या होने लगेगा, चीज़ें चेंज होने लगेगी, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया, ये आगे खिसक गया, है कि नहीं। यहाँ पे भी यहाँ पे से यहाँ पर आया, आगे की तरफ जा रहा है, ये और आगे की तरफ जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा। लास्ट केस को अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट इधर है, ये भी इधर है, ठीक है, तो इसलिए वर्चुअल एंड डायरेक्ट है ये, देखो यहाँ पर। क्लियर है बात, पक्का समझ में आ गया। ये वाली PDF जब मैंने मिरर में पढ़ाई थी शायद मिली नहीं होगी, क्योंकि यार वो शायद सेफ नहीं हुई थी, ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे वो मिली नहीं होगी, लेकिन ये वाली PDF टेलीग्राम चैनल पे पक्का मिल जाएगी। और बाकी जो चैप्टर्स होते हुए जा रहे हैं, मतलब जो टॉपिक्स होते हुए जा रहे हैं, उनकी हर एक PDF जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ डिटेल अपने हाथ से लिख के, या फिर ये PPTs, वो आपको वहाँ पे आराम से मिल जाएगी सारी, तो आप आराम से जाके वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो कि मैंने क्या लिखवाया, क्या लिखा हुआ है, कैसे कैसे करना है, ठीक। आगे देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यहाँ पे लेंसेज की जगह क्या नाम है कनकेवैक्स की जगह पे कनकेव आ गया, यहाँ पे दोनों चीज़ें इधर की तरफ लोकेटेड होती हैं और दोनों चीज़ें इधर की तरफ लोकेटेड है, इसलिए क्या बोला जाता है इनको वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वहाँ पर इसी चीज़ को बोला जाता था रियल एंड इन्वर्टेड, पक्का क्लियर है। तो मिरर्स में ऐसे चलता है ऑब्जेक्ट एंड इमेज, यहाँ पर ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऐसे चलता है पैरेलली, क्लियर है बात। वहाँ पर मतलब मिरर में, दोबारा मिरर में जब आप पढ़ रहे होते थे तो मिरर के अंदर होता था लेफ्ट हैंड साइड पर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ पे ऑब्जेक्ट उधर की तरफ ही रियल एंड इन्वर्टेड। लेंसेज में इधर ऑब्जेक्ट है इमेज इधर है तब बोला जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर सेम साइड है तो उसको बोला जाएगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। बाकी बिल्कुल सेम है पोजिशंस, तो भाई पोजिशंस में तो आपको कुछ और साइज़ का तो नाम भी सेम है। पोजिशन में तो चलो सी की जगह पे 2F आ गया और एफ की जगह पे F1 या F2 आ गया, लेकिन पोजिशन साइज़ तो बिल्कुल ही सेम है। वहाँ पे पहला केस होता था हाईली डिमिनिश्ड, यहाँ पे भी पहला केस क्या है हाईली डिमिनिश्ड, देखो जरा यहाँ पे पहला केस क्या है हाईली डिमिनिश्ड, दूसरा केस वहाँ पे होता था डिमिनिश्ड, यहाँ पे भी दूसरा केस क्या है डिमिनिश्ड, वहाँ पे तीसरा केस होता था सेम साइज, यहाँ पे भी तीसरा केस है सेम साइज, वहाँ पे फोर्थ केस होता था एनलार्ज, यहाँ पे भी फोर्थ केस है एनलार्ज, वहाँ पे फिफ्थ केस होता था क्या नाम है हाईली एनलार्ज, यहाँ पे भी फिफ्थ केस है हाईली एनलार्ज, वहाँ पे सिक्स केस हुआ करता था एनलार्ज, यहाँ पे भी एनलार्ज्ड,
है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। और वहाँ पर वहाँ पे जब हम दो गेस बाद में पढ़ते तो कन्वेक्स के पढ़ते थे, यहाँ पे कनकेव के पढ़ेंगे। तो वहाँ पे क्या होता था, डिमिनिस्ड एंड हाईली हाईली डिमिनिस्ड एंड डिमिनिस्ड, यहाँ पे भी सेम है, हाईली डिमिनिस्ड एंड डिमिनिस्ड, ये तो नाम भी सेम है कि नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है। तो आपके अंदर इसका ट्रिक भी हो गई है और आपके साइन ये भी हो गया। अब लास्ट एक चैप्टर का टॉपिक बचा हुआ, डेट इज साइन कन्वेंशन, और उसके बाद एक दो क्वेश्चन, मतलब एक दो कह रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन आपने जब मिरर वाला टॉपिक कंप्लीट करा हुआ, डेट इज रिफ्लेक्शन, तो उसके नीचे आपको क्वेश्चंस मिल गए होंगे, तो प्लीज़ वो कंप्लीट करने हैं आपको, ठीक है। तो उसके नीचे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, उसके अंदर आपको एक क्या नाम है और ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, तो ड्राइव के लिंक पे जाके क्लिक करो और आपको वहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो मैंने स्लाइड में वहाँ पे दिए हुए हैं, तो वो भी मिल जाएंगे आपको, क्योंकि शायद वो वाले क्वेश्चंस मतलब मिल नहीं पाए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये वही पीडीएफ सेव नहीं हुई थी, शायद वो दूसरी वीडियो में था। लेकिन जो भी आपको वहाँ पे दोनों तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो मैंने यहाँ पे शेयर करे थे, वो भी करने के लिए, वो तो करने ही करने हैं, बाकी जो आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे अब आपको, मैंने तो और करो, मैं तो चाहता हूँ आप करो जाकर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, बाकी ये खत्म, क्लियर। अब आपने पढ़ लिया इमेज फॉर्मेशन और क्या नाम है केसेस, अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक साइन कन्वेंशन, लेकिन वो अगली क्लास में। बाकी लाइक करो, शेयर करो यार, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, तभी तो फ़ायदा होगा और वीडियोस बनाने का, वरना तो हम बनाएंगे ही नहीं, ठीक है। बाकी फिर हम और सब्जेक्ट तभी लेकर आ पाएंगे जब लगेगा कि हाँ यार ये सब्जेक्ट सही चल रहा है, बच्चे सच में पढ़ रहे हैं, तब शेयर करोगे तभी तो होगा कुछ, ठीक है। चलो बाय बाय।